24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गाजीपुर के पखनपुरा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उड़न खटोला 1:10 पर पहुंचे, जहां मौजूद नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, ये हमारी सरकार की देन है, जबकि भाजपा फीता काटने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि पखनपुरा में जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा एवं सब्जी मंडी किसानों के लिए बनना था, वह भाजपा सरकार यहां से अन्य जगह लेकर चली गई। हमारी सरकार बनेगी तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और किसानों के लिए सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे युवाओं और किसानों को रोजगार मिलेंगे। इस मौके पर सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, संजय चौहान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, अहमदाबाद से पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, बलिया के सपा नेता एवं पूर्व मंत्री नारद राय, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सहित तमाम समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव अपने संबोधन के बाद विजय रथ में सवार होकर पखनपुरा से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफ़र आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है वो आखिरकार बाज़ार तक कैसे पहुँचे, उसको कीमत कैसे मिले। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियाँ बननी थी, वो मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसान मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, उस दिशा में भी जितना विकास हो सकता है विकास करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है, जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की, वो नहीं है। लेकिन हम अपने पूर्वांचल के और सभी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि जिस रूप में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उससे बेहतर भी अगर एक्सप्रेसवे को बनाना होगा तो समाजवादी लोग उस दिशा में आने वाले समय में काम करेंगे। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है,
उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। ये हमारे पूर्वांचल की गरीब जनता को खुशहाली के रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा एक्सप्रेस वे। हाँ, ये काम बोलता का नारा दिया था उस समय, और हमें खुशी इस बात की है जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर मिराज और सुकोई को उतार देना। भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें लोगों से छीनी गई हैं, वो चीज़ें जो छीनी गई वो वापस होंगी। मैं अपने साथ ओम प्रकाश राजभर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय चौहान जी का भी धन्यवाद, और समाजवादी जितने नेता हैं जितने कार्यकर्ता हैं मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बीजेपी से जान का खतरा है उनको। जो रंग होते हैं उन रंगों को जोड़ने का काम समाजवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।